नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबका स्वागत करता हूँ। फुल मून आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में क्या ला रहा है? दोस्तों, आपके इमोशंस डेफिनेटली ट्रिगर हो ही रहे होंगे, आपको फील हो रहा होगा। आपके ट्विन फ्लेम जर्नी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप्स, आपके करियर पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या एनर्जीज हैं, हम लोग मूनोलॉजी से ही रीड करने वाले हैं आज। आपका इमोशंस, आपका फ्यूचर इसमें कैसा इम्पैक्ट करेगा। और फुल मून जैसे कि संडे और मंडे को पड़ेगा, अभी त्रयोदशी चल रही है, इसके बाद कैसी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी रहेगी, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वाली है आप सबके लिए। एक पावरफुल रेमेडी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो के एंड में। चलिए, जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित शो, आप सबका स्वागत करता हूं इस एपिसोड में। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं, सर मेरी इमोशंस क्यों ट्रिगर हो रहे हैं। हॉरोस्कोप जब मैं रीड कर रहा होता हूं, एनालिसिस कर रहा होता हूं, काफ़ी बार मुझे फील होता है कि आप लोग फुल मून के टाइम काफ़ी इमोशनल फील करते हैं, ट्रिगर्ड फील करते हैं। चंद्रमा जो हमारे मन सो जातक हैं, मन मस्तिष्क इमोशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे जो दबे हुए संस्कार या पैटर्न हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पास्ट लाइफ थेरेपी के दौरान भी हम काफ़ी बार जो पास्ट बर्थ में हुआ है उस पैटर्न को या उस फेयर को इस बर्थ में लेके आते हैं। हम अब मून को ही ठीक करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, क्योंकि अगर आपका कोई पुराना डर है तो बाहर आएगा ही। आप कितने भी बैलेंस अपने आप को फील कर रहे हैं, आपकी सारी सच्चाई फुल मून के दिन बाहर निकल जाएगी। एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है कि मैं सारे जो कोर्सेज है ये ला रहा हूँ एडवांस, जो बेसिक डेक के, बेसिक डेक भी इसमें इंक्लूडेड रहेगी, एडवांस भी, और मोनोलॉजी भी इंक्लूडेड रहेगी। मोनोलॉजी का मैं आज रीडिंग करने वाला हूँ, उसमें एक फेज होता है फुल मून का। फुल मून एक्चुअली मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है, आप लोग अपनी विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी और आपको ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा कैसे इन चीज़ों को हटाते हैं। और इसी में दोस्तों जो हमारी रीडिंग आ रही है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जल्दी से रीड कर लेते हैं। मैंने दो कार्ड्स निकाला है, लास्ट कार्ड निकालना है आपका, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे आया है पहला कार्ड, अ टाइम फॉर हीलिंग, बाल्सेमिक मून आया है। देखिए बाल्सेमिक मून हीलिंग से रिलेटेड होता है, लाइक नर्चरिंग से रिलेटेड होता है, फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड होता है। ये त्रयोदशी चल रही है, उसके बाद चतुर्दशी, ये पूर्णिमा का फुल मून आ रहा है। आप में से कई सारे लोग थोड़े ट्रिगर्ड महसूस कर रहे होंगे, हेल्थ में भी थोड़ा अप डाउन आ रहा होगा आप लोगों के, और कहीं ना कहीं आपकी करियर, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी पे इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने बताया ना सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, हमारे दबे हुए संस्कार जो हम भूल चुके हैं, जो हमारे पास्ट लाइफ का कर्मा है, वो हमारी हैबिट्स हैं, हमारी टेंडेंसीज हैं। आपके इंडिविजुअली चार्ट में अगर चंद्रमा किसी गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, तो ये सारा एक पैटर्न है। आप देखिएगा आपके इंडिविजुअल चार्ट में चंद्रमा की प्लेसमेंट क्या है। अगर 4 नंबर कर्क राशि हॉरोस्कोप में जिस भी हाउस में आ रहा होगा, उस हाउस से रिलेटेड आप थ्रो लाइफ आपका माइंड जाएगा, आपके इमोशंस जाएंगे ही जाएंगे, उस चीज़ को लेकर आप सेंसिटिव रहेंगे ही रहेंगे। चंद्रमा जिन ग्रहों के साथ बैठे हैं, फॉर एग्जांपल आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं जुपिटर के साथ, चंद्रमा की कम डिग्री, तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ, ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ, आइडियोलॉजीज की तरफ, फिलोसफी की तरफ, रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे। चंद्रमा की डिग्री अगर शनि से कम है तो आप अपने कर्मों के प्रति थोड़े सेंसिटिव रहेंगे, थोड़ी इमोशनल रहेंगे, तो आप बहुत ईजिली, बहुत एक्यूरेटली जान सकते हैं कि चंद्रमा की डिग्री कैसी है और किन ग्रहों के साथ वो जा रहा है। राहु के साथ हैं तो आप डेफिनेटली अपनी इमोशन को अपने बर्थ प्लेस से अलग महसूस कर पाएंगे। आप में से कई सारे लोगों ने पिछली बार बताया था मुझे, जो ये वीनस में मैरिज से रिलेटेड जो प्रिडिक्शंस की थी, आप लोगों के बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया था आप लोगों के साथ वैसा हो रहा है, तो डेफिनेटली इसकी रेमेडी भी है, उस चीज़ों को आप ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली सीखिए और लोगों को भी गाइड करिए। पहले हम आ जाते हैं, अगर आपको
कहीं से भी मून का ये इम्पैक्ट आ रहा है, जिसको कैसे हील करें। दोस्तों मैंने पहला कार्ड आपको दिखाया जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, हीलिंग टाइम है, बाल्समिक मून है और यहाँ पे जेमिनी के न्यू मून भी हैं। तो आप ये महसूस कर सकते हैं इस समय आपको कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन इज द की, रिलेशनशिप में टॉक करना है, क्योंकि ये टाइम मैनिफेस्टेशन का होता है और इसी वजह से अगर आप में ब्लॉकेज होंगे तो ब्लॉकेज सरफेस पे आएंगे। आप हील हो चुके होंगे, जो लोग बहुत दिनों से मेडिटेशन कर रहे होंगे उनको एक वर्थ इज रिजल्ट मिलने वाला है। लास्ट हमारा आया है एक न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। देखिए एक नई शुरुआत हो रही है, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो कोई भी ब्लॉकेजेस हो गया हो, पहले सेपरेशन हो गया हो, उसमें भी एक नई बिगनिंग है, नई हैपनिंग है। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है या न्यू हैपनिंग होती है, थोड़ी तकलीफ तो होगी, इमोशंस में भी होगी, रिलेशंस में भी अप डाउन होगी और जो करियर में जो लोग एफर्ट कर रहे हैं उसमें भी होगी, लेकिन ये चेंज जो है क्योंकि तीनों कार्ड पॉजिटिव हैं तो अच्छा ही दिखा रहे हैं। जिन लोगों के ब्लॉकेज है वो ज़रूर अपने आप को हील करें। मैं एक बहुत पावरफुल टेक्निक आप लोगों को शेयर करने वाला था। पहले तो दोस्तों नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए और उस लिंक पे क्लिक करिए, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे जिस पे मैंने बहुत पावरफुल मेडिटेशन कराए हैं जो मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट इशू है। वहाँ वो मेडिटेशन को हेडफोन लगा के करिए, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। जो भी लोग अभी नहीं ऐड हुए हैं वो ऐड हो जाए, मैं आगे भी वहाँ एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन शेयर करने वाला हूँ, तो वहाँ वो अपडेट आते रहते हैं और आप कंटिन्यू अपने आप को फ्री में हील कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो वहाँ जाइए, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। बाकी जो कोर्सेज की डिटेल्स हैं वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे अगर आप मैसेज करते हैं तो। दोस्तों अगर इस समय जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको हार्ट चक्रा पे, सैक्रल चक्र पे स्पेशली मेडिटेशन करना है जो आपके चंद्रमा को हील करेंगे। इसके साथ ही आपको कोशिश करना है जो नेवल है उसकी एक्सरसाइज करिए, पेट की एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीथिंग करिए। देखिए जब भी मून एंग्जाइटी आपको प्रोवाइड करते हैं तो हमारा कनेक्शन हमारी नेवल से कट जाता है, उस समय हमको प्राकृतिक होना है और डीप ब्रीथिंग डेली 15 मिनट 10 मिनट करनी है। जब फुल मून के आने का टाइम हो जाए आप मॉर्निंग बैठिए और डीप ब्रीथिंग करिए, इनहेल और एक्सहेल ब्रीथिंग डबल बार और ब्रीथ आउट, ऐसे करके स्लोली स्लोली पूरा सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। अगर आप ऐसी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर पाते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं अपने ड्रीम्स को, आप जो चाहते हैं उसको मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं, आपको जो एंजाइटी होगी वो तो 100% रिलीज होने वाली है इस फेज़ में, क्योंकि ऑरा सेंसिटिव होता है तो त्रेखा बना के या अपने चारों तरफ इंटेंशनली, एक आप इंटेंशन करते हो तो आपका ऑरा लॉक हो जाता है, जरूरी नहीं आप सिंबल्स को बनाएं, लेकिन स्ट्रांगली अगर आप ये बोल दें मेरा ऑरा लॉक हो जाए, मैं चाहता हूँ ऐसा, तो और लॉक भी हो जाएगा। उत्रेखा बना के सर्कल बना लेंगे तो कोई भी मैलिफिक एनर्जी इस समय आपको एंजाइटी की तरफ नहीं ले जाएगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे बैलेंस फील नहीं कर रहे थे, डैट्स वाई ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो, ये जो मैंने मेडिटेशन शेयर किया आप लोगों को टेलीग्राम पे, वो करिए, आप इस फेस से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। आने वाली जो चतुर्दशी है वो पूर्णिमा है, आप सब के लिए बेहतर हो। आप में से जो भी लोग इस कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं वो टेलीग्राम पे या दूसरे नंबर्स पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक आप ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।